नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में नर्मदा नदी हमेशा से केंद्र में रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी के नाम, उसके धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्व का भरपूर फायदा उठाया है। नर्मदा नदी उस वक्त और अविरल बनाने के लिए बड़े बड़े दावों के बीच एक बड़ी आबादी के वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन आलम यह है कि नर्मदा को आज भी उन वादों और दावों के पूरा होने का इंतजार है जो चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के हथियार बने हैं। आम लोगों के लिए मोक्षदायी नहीं मानी जाने वाली नर्मदा नदी नेताओं के लिए वोटदायी नहीं बनकर रह गई है। अगले साल यानी 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों का झुकाव नर्मदा नदी की ओर होने लगा है। आधिकारिक तौर पर होशंगाबाद का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है, इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसके पहले के चुनावों में नर्मदा नदी के लिए कई यात्राएं हुई थी, जिससे नर्मदा नदी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में धूमधाम से मां नर्मदा जयंती मनाई गई। अमरकंटक से लेकर जहां जहां मां नर्मदा की घाट है वहां लोगों की भीड़ लगी। अन्य नदियों के उलट पश्चिमी दिशा में बहने वाली नर्मदा को मध्य प्रदेश में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नर्मदा के किनारे जल, जंगल, जमीन साथ साथ रहते हैं। यानी नर्मदा के पास हर वो चीज मिल जाती है जो इंसान के लिए जरूरी है। यही वजह है कि नर्मदा नदी से एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा रहता है, इसलिए राजनीतिक लिहाज से नर्मदा नदी बेहद महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी पर सियासत दशकों से चली आ रही है। नदी संरक्षण के नाम पर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी के नाम, उसके धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्व का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। 2023 से पहले भी ये काम शुरू हो गया है। शिवराज सरकार ने जहां नर्मदा के नदी के किनारे बसे होशंगाबाद शहर का नाम फिर से नर्मदापुरम कर दिया है, तो कांग्रेस नर्मदा संरक्षण के मुद्दे पर मुखर बनी हुई है। यानी साफ है कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी नर्मदा नदी दोनों राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित होगी। आज हम नर्मदा जयंती तो श्रद्धा के साथ मना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नर्मदा जी के तट पर कि एक पेड़ एक साल में हम अपनी तरफ से लगाएंगे और उसको संरक्षित करने का काम भी करेंगे, क्योंकि नर्मदा जी की जल की धार अगर प्रकट होती है तो किसी ग्लेशियर से नहीं, पेड़ों की जड़ों से जो बूंद बूंद पानी रिसता है वही माँ नर्मदा जी की धार बनता है। दूसरे, हमारी कोशिश हो एक अभियान मध्य प्रदेश में चलाएंगे कि नर्मदा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती हम करें, केमिकल फर्टिलाइजर से उस धरती को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर बह के नर्मदा जी में जाता है तो पानी प्रदूषित होता है। हम ये प्रयास भी करें कि नर्मदा जी हमारी हमारे कर्मों के कारण प्रदूषित ना हो, और इसलिए सरकार के साथ साथ समाज भी हर संभव प्रयास करे। नर्मदा जयंती पर एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक नर्मदा जयंती का प्रश्न है, आज 11 जिलों में निर्झरणी दिवस सरकार मना रही है। अरबों रुपयों की रेत का अवैध उत्खनन मां नर्मदा के आंचल से करने वाले कौन है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे? 136 मिलियन गैलन लीटर पानी जो सीवरेज का है नर्मदा में रोज मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि सीवरेज का पानी मां नर्मदा में क्यों मिल रहा है? पुलियाओं की नींव तक पर रेत माफिया रेत खोद रहे हैं, उसका अवैध उत्खनन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे? नर्मदा के नाम पर कितने वृक्षारोपण के नाम पर सरकार के लोगों ने पैसे खाए, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे? तो नर्मदा इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं और आर्थिक समृद्धि का माध्यम बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। नर्मदा नदी गुजरात में दाखिल होने तक मध्य प्रदेश में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करती है। इतने लंबे सफर के दौरान नर्मदा को लेकर कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ मुखर रहते हैं। जो सत्ता में होता है अवैध उत्खनन के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह नर्मदा की सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है।
साथ ही पलायन का मुद्दा भी छाया रहता है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी भी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले की गई दिग्विजय सिंह की 142 दिन की नर्मदा परिक्रमा यात्रा खूब चर्चा में रही थी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनसे पहले 150 दिन की नर्मदा यात्रा कर चुके हैं। अब 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को लेकर दावे और वादे भी शुरू हो गए हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उनके आसपास प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश के हर एक व्यक्ति की आस्था का बिंदु है, तो कांग्रेस ने भी 2013 के लिहाज से कई मुद्दे उठाए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी झलक इस नर्मदा जयंती पर दिखनी शुरू हो गई है। तो साफ है कि वो नर्मदा नदी जो प्रदेश की जीवन रेखा है और प्रदेश के 16 जिलों को छूकर गुजरती है, उसकी राजनीतिक उपयोगिता कितनी होगी। अब वैसे तो दोनों ही दल अपने हिसाब से सियासी लाभ उठाने में जुटे हैं, लेकिन सब पर कृपा करने वाली नर्मदा माँ किस पर सियासी कृपा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और अनादि टीवी के हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे। ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ही के पास, कि जब जब नर्मदा जयंती की बात आती है तब तक तो सारे आयोजन होते हैं, लेकिन पूरे साल ये नदी चर्चाओं में रहती है, और ख़ास तौर से अगर पिछले एक दशक की बात करें तो अवैध उत्खनन की बात होती है, नर्मदा में गंदगी गिरने की बात होती है, उसके किनारे पौधारोपण की बात होती है। देखने सुनने में अच्छे अभियान लगते हैं, लेकिन धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? क्योंकि देश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, 16 जिलों से निकलती है, 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और प्राकृतिक रूप से भी देखें और वैसे भी हम कि कई सारे बड़े शहरों की प्यास बुझाती है, चाहे वो भोपाल हो चाहे इंदौर हो। फिर क्या कारण है कि राजनीतिक दल इसकी सफाई को लेकर या सरकारें इसकी सफाई को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर, इसके जो भव्य दिव्य गौरव है, जो इसकी आध्यात्मिक इसकी जो एक पहचान है, उसको लेकर सचेत नहीं रहते हैं या केवल कागजी खाना पूर्ति करते हैं? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहलाती है, 16 जिले प्रभावित हैं, 16 जिले की कई विधानसभा क्षेत्र, और जो आस्था का केंद्र है सबसे बड़ी बात है। तो जिस आस्था को भुनाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यदि जो पौधरोपण की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा नर्मदा की यात्रा की थी, बिकॉज उसके आसपास जितने पौधे लगाए थे कांग्रेस आरोप लगाती थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आप देखिए विधानसभा में बाकायदा उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि पौधरोपण हुआ था, जो नष्ट हुए हैं वो प्राकृतिक उसके आधार पर हुए थे। तो एक तरफ से आप पूरे समय उस पर आरोप लगाते रहे, उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया, नर्मदा नदी के किनारे से मतलब जो आसपास की बस्तियां हैं उनको धार्मिक नगरी के रूप में मान्यता दी गई, शराब की दुकानें वहां से दूर की गई, क्योंकि ये एक सिर्फ नदी नहीं है मनोज जी, ये लोगों का आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि नर्मदा जी में डुबकी लगाने भर से या नहीं, सिर्फ दर्शन मात्र से आपको पुण्य मिल जाता है। ये कई बार ये शास्त्रों में ही कहा है, अमिताभ बच्चन से गुहार की गई थी कि वो नर्मदा पुराण वो उसका 40 का पाठ करें। तो ये बहुत सारे लोगों से जुड़ाव है, जो वोट बैंक है एक तरह से, उस वोट बैंक पे सबकी नज़र रहती है। आप देखिए, आप दिग्विजय सिंह को देखिए, उन्होंने यात्रा की तो कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी निजी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, लेकिन जो राजनीति ने जो करवट बदली उसमें बहुत बड़ा योगदान, जो 2018 से पहले जो यात्रा निकली थी, कांग्रेस की यदि सरकार बनी है तो ये कहा जाता है कि वो नर्मदा मैया की कृपा से ही बनी है, और ये खुद उल्लेख किया उन्होंने अपनी किताब में, और खुद कई बार वो कह चुके हैं कि वो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनसे कहा गया था साधु संतों ने कि आप एक परिक्रमा लगा दीजिए, नर्मदा जी की परिक्रमा लगा दीजिए, और सपने में भी आए थे, ऐसा भी कहा गया था, वो सपना उन्होंने अपने गुरु को बताया था। इसके बाद वो यात्रा नहीं कर पाए थे तो आप उनकी सरकार चली गई थी, लेकिन जब यात्रा की तो देखिए कि चमत्कार, फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई, भले ही वो 15 माह की सत्ता, तो ये चमत्कारिक वो भी है एक तरह से, और खुद कई बार उल्लेख कर चुके हैं वो उस बात की। और इस दूसरी तरफ हम देखें तो शिवराज जी को, वो बाकायदा उनके भक्त हैं नर्मदा मैया के, तमाम तरह के जो भी प्रयास होते हैं करते रहते हैं, उनका खुद का अपना गृह गांव जेत भी नर्मदा किनारे ही बसा है, और उसी नर्मदा जयंती पर ही वो गांव का जन्मदिन भी मना रहे हैं आज। तो राजनीति का केंद्र भी है और आस्था का भी केंद्र। अब जो बात आपने कही है कि फिर भी बावजूद क्यों अवैध उत्खनन होता है, क्यों छलनी की जाती है, तो आप अनिल दबे जी को याद कर लीजिए, उन्होंने बाकायदा इसके लिए अभियान चलाया था, कहाँ नर्मदा किनारे मतलब सब दहा ना हो, बाकायदा उनकी व्यवस्था हो,
नर्मदा नदी में आप सबना बहाएं और तमाम तरह के उन्होंने वहाँ स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, तो बहुत सारे वो अभियान चले वो कारगर भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता की जरूरत है। आज भी होशंगाबाद जो नर्मदापुरम शहर हो गया है, आज की तारीख में नगर हो गया है, उसका पूरा सीवेज वहाँ मिलता है। 300 करोड़ की योजना मंजूर हो चुकी है, लेकिन उसको सालों बीत गए, वो अमली जामा नहीं पहना पाए। हम जबलपुर की बात करें तो सीवेज कितना मिल रहा है, तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि जो लोगों की आस्था है वो बरकरार है। जो नदी के किनारे पहले जो शहर बसे हुए थे मनोज जी, उनकी आबादी बहुत कम थी, तो सीवेज उसमें मिलता था तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो कारखाने बन गए हैं और जिस तरह से सीवेज बड़ी संख्या में मिल रहा है तो उसका आबादी आबादी हो गई है। और जो आज बात की है सीएम ने, वो पहल करते भी देखते हैं, हमने पहले भी देखा पौधरोपण बड़ी संख्या में हुआ, जब उमाकांत उमराव नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर थे बाकायदा दौरे करते थे, फेंसिंग करते थे, तो कई पौधे भी हैं। उन्होंने सही कहा है कि पेड़ लगेंगे आसपास, उसी से नर्मदा नदी जीवित रहेगी। लेकिन जो अवैध उत्खनन की बात है, जो कांग्रेस कहती थी कि उनके कार्य भाजपा के शासनकाल में अवैध उत्खनन खूब होता है, हमने कांग्रेस के 15 माह में देख लिया मनोज जी, और बेतहाशा तरीके से मशीनों से अवैध उत्खनन होने लगा था। तो आप जो कहते हो वो करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा था परिक्रमा लगाइए, तो बाकायदा वो देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह से नर्मदा परिक्रमा पथ बनाना चाहिए, कहाँ अवैध उत्खनन होता है, लेकिन आज तक उन्होंने जब उनकी 15 माह की सरकार रही तो उस दिशा में प्रयास नहीं किए। तो जो कहने की बात है और करने में अंतर है, कथनी करनी में जो अंतर है नेताओं की, उससे दूर रहना चाहिए। एक सरकार कुछ करते हुए दिख रही है तो दूसरी सिर्फ आरोप लगा रही है, इसमें संयुक्त रूप से सबको मिलजुल कर करना चाहिए। और जो बात जहाँ शिवराज जी ने कहा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, एक पौधा आप लगाइए नर्मदा नदी के किनारे, और यदि वहाँ कोई गंदगी करता है तो इसके लिए वहाँ आसपास के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि मशीन से अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, भले ही कोई कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, जब हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जीवन दायिनी को हम बचा सकेंगे। बिल्कुल। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और नर्मदा नदी का अपना एक धार्मिक पौराणिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही इसके जो संरक्षण की संवर्धन के लिए जब बातें होती है तो आरोप प्रत्यारोप में ज़्यादा समय निकलता है। जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी हमने देखा के मिश्रा आरोप लगा रहे, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके शासनकाल में हमने देखा कि कंप्यूटर बाबा ने जिम्मा लिया था, लेकिन उनका पूरा फोकस रेत माफियाओं के खिलाफ था, और उन्होंने इस चक्कर में जो वेद खदानें थी उनको भी बंद करा दिया था। और जो उसके संरक्षण की दिशा में जो कुछ कामकाज होना चाहिए, हर बार ये कहा जाता है कि पौधे लगाएंगे, सफाई ठीक से होगी, और आम जनता को भी उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए ताकि ये जो हमारी देवी, एक तरह से हम इसको माँ मानते हैं नर्मदा माँ, और अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा उनको एक जीवित इकाई का दर्जा दिया है कि उसका संवर्धन हो जाए, उनका संरक्षण हो जाए। देखिए, नदियों का न केवल धार्मिक महत्व रहा है, बल्कि अगर भारत के संदर्भ में अपन देखें तो रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि नदियों को जो है संरक्षित रखना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो संस्कृति नदियों को नहीं बचा पाती है, वो संस्कृति ही नष्ट हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नदियों का बड़ा महत्व है, और खासतौर पर अगर नर्मदा की बात करें तो ये तो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी है, और केवल मध्य प्रदेश की है, क्यों, ये तो गुजरात तक पानी दे रही है ये। और एक नदी जोड़ो अभियान की एक जो कल्पना थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रश्न ये उठता है यदि नदियों को बचाने के लिए शिवराज सरकार या कोई भी सरकार अगर जो है, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, अगर वो गंभीर है तो नदी जोड़ो अभियान की क्या स्थिति है, नर्मदा से कितनी नदियां जुड़ गई हैं। हालांकि नर्मदा का पानी छिपरा में भी पहुंचा है, ये भी एक छोटी नदी थी, पुनर्जीवित हुई है। तो नदियों का जहां एक धार्मिक महत्व है, वहीं इसकी एक राजनीतिक उपयोगिता भी है, जैसा भी आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने इसकी परिक्रमा की थी। शिवराज जी कह रहे हैं कि वो साल में एक पौधा लगाएंगे, ठीक है, आप एक पौधा लगाएं, दो पौधा लगाएं, लेकिन साथ में आप खजुराहो के बक्सवाहा के जो पौधे काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, उनको भी बचाएं। तो कुल मिला के जो हमारी नेता बिरादरी है वो जिस तरह से कहती है, जो करती हुई दिखती है, वास्तविकता उसकी वो नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। अब आप देख लीजिए कि नर्मदा जी ने कभी ये कहा है कि जनता से झूठ बोलो, रामचंद्र जी ने कभी ये कहा है कि जनता से झूठ बोलो, हमारे नेता तमाम तरह का झूठ बोलते हैं, वो चाहे शिवराज जी हों, चाहे कमलनाथ हों, दिग्विजय हों, ये सब के सब झूठ के कारोबारी हैं, राजनीतिक धंधेबाज हैं, और धंधे के लिए जो कुछ लेकिन, भी जरूरी लेकिन आपको होता नहीं है। लगता कि जनता भी, क्योंकि उस जनता को वहाँ पे आप उसके किनारे रह रहे हैं, उस पर आपको पानी मिल रहा है, तमाम आपको संसाधन मिल रहे हैं, उस जनता को भी सोचना चाहिए उसको गंदगी क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी, अगर लगता हमको कि बड़े प्लांट तो ठीक है, सीवेज का जा रहा है पानी, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं जो अंतिम संस्कार की राख है उसमें ना डालें, जो हम फल फूल हैं, जो पत्तियां हैं, पन्नियां हैं, जो हार फूल हैं वो उसमें ना डालें,
तो एक छोटी छोटी पहल अगर हम खुद से करें तो शायद एक बड़ा योगदान हो सकता है इस नदी की साफ सफाई में, संवर्धन में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जनता की ज्यादा जिम्मेदारी है, वो केवल नदियों को बचाने भर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जिनको वो वोट देती है वो कैसे लोग हैं। तो दोनों तरह की जिम्मेदारी जनता की, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या जनता अधिकार संपन्न है, क्या जनता जाके किसी अवैध उत्खनन को रोक सकती है क्या? जब पुलिस के अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों को रेत माफिया कूट पीट के भगा देता है तो एक आम आदमी की क्या हैसियत है? हम कैसे रोक पाएंगे किसी उद्योगपति को कि तुम इसमें सीवरेज का पानी नहीं बहा? नमामि गंगे का आप देख लीजिए क्या हश्र हुआ है, केंद्र सरकार लगी थी, उमा भारती जी खुद लगी हुई थी, अब गडकरी के पास में वो है, क्या गंगा साफ हो गई? तो ये कथनी और करनी का फर्क जो है नेताओं को, ये ठीक आप कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी है और जनता को आगे आना चाहिए, और जब तक जनता अपने बारे में नहीं सोचेगी, वो देश की संस्कृति के बारे में नहीं सोचेगी, नहीं जो आप वो नदियों के बारे। लेकिन आप देखिए ना, मैं इसलिए जनता का जिक्र किया क्योंकि आप देखिए बड़े ऐतिहासिक हमने देखा है, जो बावड़ियां हैं, जो कुएं हैं, वो इन्हीं जनता के कारण वो लुप्त से हो गए, क्योंकि हम ही ने उसमें कचरा डाला है, क्योंकि उसमें तो ना कोई सीवेज का पानी डाल रहा है, ना कोई इंडस्ट्री वाला उसमें कोई पानी डाल रहा है, ना कोई नेता से सरोकार है, लेकिन हमने गली मोहल्ले में जो कुएं थे हमने देखा, हमने खजुराहो में जो पुराने कुएं थे वहाँ नेता उसमें मछली पाल रहे हैं खुद के लिए, कई सारी बावड़ियाँ थी जो बुंदेलखंड में, आप भी जानते हैं अच्छे से कि एक समृद्ध परंपरा रही है तालाबों कुओं की, लेकिन वो बुंदेलखंड आज सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो पानी के कारण है कि बारिश पूरी होती नहीं, लोगों का पलायन होता है। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं का सामना जो है पूरा देश कर रहा है और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। जो आप बावड़ियों की बात कर रहे हैं कि कुएं सूख रहे हैं, तो उसकी मुख्य वजह यह है कि जिस तरह से अंधाधुंध दोहन हो रहा है भूगर्भीय जल का, जिस तरह से हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कहूंगा मैं, दुरुपयोग कहूंगा, इसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है जगह जगह। जल संरक्षण के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? आपने एक नियम बना दिया कि शहरों में अगर कोई भवन बनाएगा तो साहब वो जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग का भी करेगा, लेकिन कितना पालन हो रहा है इसका? वृक्षों को आप काट रहे हैं, सड़क बनाने के लिए आप तमाम तरह के वृक्ष काट देते हैं आप। तो कुल मिला के ये है कि पूरा जो हमारा सिस्टम है या देश है, ये कह लीजिए कि प्रकृति के प्रति जिस तरह से लापरवाह हुआ है उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। और अगर अभी भी नहीं चेते, केवल राजनेताओं के भरोसे रहे कि शिवराज जी पहुंच गए हैं, अब नर्मदा जी की परिक्रमा भी करेंगे, नर्मदा जी को बचा भी लेंगे, उस साल में एक पौधा लगा देंगे और नर्मदा बची रहेगी, तो ये कोरी कल्पना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरे देश को इस बारे में सोचना होगा और सबको अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी होगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, दोहरे मापदंड भी हमने देखा है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण पिछले दिनों का ये है कि जब प्रस्ताव आया कि चार इमली में जो है अफसरों नेताओं के बंगले तोड़ के मल्टी कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, तो उन्हीं अफसरों की टीम ने तुरंत एक रिपोर्ट दे दी कि इसको पर्यावरण को खतरा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें 100-200 पेड़ कटेंगे। उसी के कुछ किलोमीटर दूरी पर हम देखते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं और पाम के पौधे लगा दिए जाते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। गेवन इंडिया प्रोजेक्ट में सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। तो आपको ये नहीं लग रहा कि शायद नर्मदा से ऐसा सीधा सरोकार नेताओं का, अफसरों का नहीं है, उनके राजनीतिक हित से उससे नहीं सध रहे हैं, या कहें व्यावसायिक हित नहीं सध रहे हैं, जिसके कारण वो केवल जुमलेबाजी करते हैं, कोई ठोस काम धरातल पर करते नहीं दिखते हैं वहाँ? देखिए मनोज जी, नेता हों या अफसर हों, वो पहले अपना हित देखते हैं। जो बात आपने चार इमली का जिक्र किया, उनको लगा कि अपने बंगले चले जाएंगे, जो ऐसो आराम से लंबी चौड़ी जगह में रह रहे हैं, एक फ्लैट में रहना पड़ेगा, और ये कल्चरली डेवलप हो गया है तो मालूम चला कि अगले 10-15 साल में बंगले छिन जाएंगे उनसे, जो ऐसो आराम से वो 60 साल तक रहते हैं और बंगले नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश के किसी कोने में भी उनका तबादला हो जाए तो भोपाल का बंगला बरकरार रखना चाहते हैं, या बंगलों की जो लड़ाई लड़ते हैं कि हमें ये बंगला चाहिए वो चाहिए, और उनके रिनोवेशन में हजारों लाखों लोग खर्च कर देते हैं, वो फ्लैट में उतना कर नहीं पाएंगे तो वो एक जगह तक सीमित हो जाएंगे, तो ये उनकी सुविधा से जुड़ा हुआ। जो दूसरी बात आपने कहा कि नेताओं को प्रभावित नहीं करते, आप देखिए जिन नेताओं की राजनीति यदि नर्मदा किनारे की है तो वो नेताओं को प्रभावित करती है, तो बाकायदा वो परिक्रमा करते देखेंगे आप, वहाँ पे भागवत कथा कराते हुए देखेंगे, जल से कराते हुए देखेंगे और कंबल बांटते हुए देखेंगे, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन करते हुए नदी के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन उस नदी के लिए कुछ नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों ने करने की कोशिश की। यदि एक अनिल दवे ने करने की कोशिश की तो वैसे ही बाकी के नेताओं को भी करने की कोशिश, दुर्भाग्य से उनका अंतिम संस्कार भी उसी नर्मदा नदी किनारे कर दिया, नदी के किनारे किया, जिसके वो खिलाफ थे, जिसके खिलाफ थे। तो देखिए आप नेता क्या चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि वो आस्था के बदौलत वोट बैंक अपना पक्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेताओं के साथ साथ जो जनता की बात जो हम बात कर रहे हैं, सबको जागरूक होना चाहिए। यदि स्वच्छता के मामले में सरकार एक अभियान चला रही है तो जनता ने सहभागिता दी, तो देखिए आज स्वच्छता के मामले में किस तरह से सरकार की भी जिम्मेदारी है निश्चित तौर पर, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाती है तो जो हम बात कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन कौन कर रहा है, पावरफुल लोग कर रहे हैं,
यदि जनता जागरूक हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सड़क पर आ जाएगी, तो सरकारों को मजबूर कर सकती है। यदि जो नेता वहां के लोकल नेता यदि संरक्षण दे रहे हैं तो उनको चुनाव के दौरान सबक सिखा सकती है। तो ये जो जब तक जागरूक नहीं होगी, हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरे सरकार के हाथ में है, सरकार उसी का फायदा उठाती है, वो एक काम करती है, 10 चीजें बताती है, तो 10 चीजें बताकर आप प्रभावित हो जाते हो कि हाँ सरकार उस दिशा में कर रही है। आप आस्था मानते हो ना, आप उसको देवी मानते हो और जीवित इकाई का दर्जा दे दिया है, तो यदि उस पर कोई जेसीबी चला रहा है तो आप उसको जीवित इकाई मानकर आप मामला दर्ज कीजिए, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए कि भाई आप जेसीबी कैसे चला रहा है, उसके छीना छलनी क्यों कर रहा है। और जो लोग वहाँ पूजा करते हैं, सिर्फ आप एक दिन के लिए मत जो पूर्णिमा आई, अमावस्या आई, आप नर्मदा नदी में नहाकर आ गए और पुण्य मिल गया आपको, और आप खुद वहाँ गंदगी कर आए, जब आप खुद रोकोगे तो दूसरों को आप टोकोगे। जो रोको टोको अभियान है, मुझे लगता है कि लोकल लोग जो नर्मदा किनारे बसे हैं, जो आसपास के लोग हैं, यदि वो एक तरह से चला दें तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा। और यदि आज की तारीख में सोशल कैंपियन इतनी जबरदस्त होती है मनोज जी, जो कंप्यूटर बाबा की बात करते हैं हम, दूसरे बयान मिर्ची बाबा आ जाए, तमाम तरह के बाबा जिनको ये सोचकर जिम्मेदारी दी गई थी कि ये कुछ भला करेंगे, ये अपनी दुकान चलाने लगे, तो ऐसे दुकानदारों के हाथ में देने से बढ़ गए, ऐसे लोगों का एक ऐसी समिति या जो सच में नर्मदा जी के भक्त हैं और कुछ करना चाहते हैं उनके हाथों में जिम्मेदारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे सुधार होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आप डंडे के दम पे करो, क्योंकि डंडा आप सरकार चला नहीं सकती है, डंडा चलाएगी तो वहीं वोट बैंक नजर आता है, तो वोट के साथ साथ आप सुधार की दिशा में भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर दोहरा फायदा होगा। बिल्कुल अशोक जी, दोहरा फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जिम्मेदारी की बात हो रही है, हम देखते हैं कि पहले सरकार की ओर से कहा गया जब पौधे लगाए गए कि जो खेतों में अपने फल के पौधे लगाया सरकार उनको पैसा देगी, अभी बात हो रही है कि उसके किनारे 5 किलोमीटर की प्रति में प्राकृतिक खेती की जाए, जैसे गंगा के लिए जो बजट में किया गया। इसके अलावा आपको नहीं लग रहा और सुविधा जो जो हमने देख रहे हैं सीपेज उसमें गिर रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था हो जानी चाहिए। हमने महेश्वर में देखा है कि जो मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत घाट है, जहाँ कि लोगों में अवेयरनेस है कि वहाँ जो लोग जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो किनारे ऐसा साबुन मिलता है कि जो पानी को प्रदूषित नहीं करता है। और उसका फायदा देखिए मनोज जी कि आज की महेश्वर में सर्वाधिक शूटिंग होती है फिल्मों की, वेब सीरीज की, और आपको घाट साफ सुथरे हैं, गंदगी नहीं मिलेगी। ये लोगों ने अपनी तरफ से किया कि उसमें लोग आपको कपड़े धोते नहीं मिलेंगे, तो दोनों स्तर पर काम होना चाहिए, सरकार के स्तर पर भी, पब्लिक के स्तर पर भी। कुछ देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको मैं सबको ये नहीं मानता हूं कि हमारे संस्कार में जो है वो सब बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि कुछ संस्कार हमारे ऐसे हैं जो नदियों के हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अस्थि विसर्जन है या उसके किनारे किताब में हम चलाते हैं, फिर वो शव जो है उसमें हम प्रवाहित कर देते हैं। कुछ हमें अपने जो हमारे संस्कार है उनको हमें छोड़ना होगा नदियों को बचाने के लिए। जनता को तो आगे आना ही चाहिए, लेकिन साथ में भी चौकसे जी ने काफी कुछ कहा है, लेकिन वो संकोच भी कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि इस देश में हर तरह की अव्यवस्था के लिए जितनी जनता जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमको सब विभाग दिखाते हैं, जो हमसे ये वादा करते हैं कि वो सुशासन करेंगे, वो करप्शन नहीं होने देंगे, वो अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे, नदियों को प्रदूषित नहीं होने देंगे। सरकार अपने बारे में सोच रही है, अपने बारे में सोच रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की जनता अपने बारे में नहीं सोच रही है। ये बहुत हो गया है कि देश की जनता को ये सोचना, उनके पास में सब कुछ है, उनके पास अच्छा जल है, अच्छा आवास, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा वातावरण है। कारण ये भी हो सकता है, ये जो मुफ्तखोरी की आदतें सरकारों ने लगा दी है, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि ठीक है सब कुछ तो घर बैठे मिल रहा है तो कौन परेशान हो, सरकार तो है ही। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, अब ये जो नल जल योजना चल रही है तो बावली कहाँ से बचेगी भाई? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आप जो है जगह जगह जो है टंकियां खड़ी कर रहे हैं। अच्छा विकास में जो है पैसा खर्च होता है, अधिकारियों को भी पैसा मिलता है, नेताओं को भी पैसा मिलता है, तो विकास के नाम पे आप बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाते हैं कि वो हमारी जो पुरानी धरोहर थी, चाहे वो नदी हो तालाब, आप बताइए तालाब कहाँ बचे हैं? कहीं तालाब आपको दिखते हैं क्या? अब ठीक है आपके भोपाल में कुछ तालाब बचे हुए हैं इसलिए कि वहां मजबूरी थी कि पेयजल का स्रोत ले देकर आपके यही तालाब थे, जो चाहे वो बड़ा तालाब हो या और दूसरे तालाब हो, अब तो खैर नर्मदा का भी पानी वहां पहुंच रहा है। उनके 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 पानी की क्वालिटी भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। तो निश्चित तौर पर नर्मदा की याद तभी आती है जब कोई सियासी कारण हो या कोई धार्मिक कारण जिससे आप लोगों को प्रभावित कर पाए, लेकिन उसके आपको चिंता इस बात की भी करना होगी क्योंकि ये ऐसी विरासत है जो हम इसको सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस क्या छोड़ कर जाएंगे। हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हे नर्मदा माँ इन्हें माफ़ करना है कि आपके संग क्या कर रहे हैं। हम तो अनुरोध करेंगे कि इस माँ के साथ खिलवाड़ मत करिए, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहा है आप उसको भी मत छोड़ना। अटेंशन माँ जितना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।